नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आपके लिए सबसे बेस्ट अकाउंट कौन सा है, HDFC बैंक, SBI बैंक, कोटक, RBL, एक्सिस या इंडस्ट्रियल बैंक। तो आज हम आपको सभी बैंक के बारे में बताने वाले हैं कि आपको अगर अकाउंट का लाभ लेना है या आपको पैसे जमा करना है या आप अगर चाहते हो कि मुझे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन सारे प्रकार के मुझे ऑफर मिलें, तो आपके लिए कौन सा ऑफर सबसे बेस्ट है और आपको किस बैंक में सबसे बेस्ट ऑफर मिलेगा और अकाउंट कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में और हमें अलग अलग टाइप के अकाउंट मिलते हैं, सैलरी, सेविंग। और हम लोग जब अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो हमें वहां पे बताया जाता है कि आपको इस अकाउंट में ए बेनिफिट मिलेगा और आप इस अकाउंट को ओपन करवा लो, आपको इतना बैलेंस मेंटेनेंस करना पड़ेगा। वहीं पे आप सोचने पड़ जाते हो कि हम कौन सा अकाउंट ओपन करवाएं, अगर हम बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हमें पेनाल्टी चार्ज लगेगा और बैंक में परेशान करेगा, तो यहाँ पे आप लोग टेंशन में आ जाते हो। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा और दोनों पार्ट की जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में दूंगा। दोस्तों, पहला मेरा कहने का मतलब है, मेरा पहला पार्ट का मेरा कहने का ये मेरा मतलब है, अगर आप दोस्तों ओनली बैंक में ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कैश निकालना चाहते हो ATM से, आप अच्छे से अपने बिजनेस कोई कर रहे हो, या आप जो है सेविंग मनी करना चाहते हो, या आप लाइफ में चाहते हो कि अकाउंट से मुझे कुछ बेनिफिट मिले, दोस्तों आपके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं बैलेंस मेंटेनेंस अगर करूं और मेरा अकाउंट कभी भी कोई प्रॉब्लम उसमें ना आए दोस्तों, तो आपके लिए बेस्ट अकाउंट है ICICI बैंक। दोस्तों, ICICI बैंक एक अच्छा बैंक है जो कि आपको हर चीज़ों में आगे है और आपको सर्विस बढ़िया देता है। यहीं पे बात करूं HDFC बैंक का, दोस्तों HDFC बैंक भी आपको सर्विस देता है, बट दोस्तों एक इनका रूल ये है, अगर आप बैलेंस मेंटेनेंस नहीं कर पाते हो तो इसमें आपको जो पेनाल्टी चार्ज अगर आपके अकाउंट में माइनस अगर होता है तो ये बैंक आपके पास लीगल नोटिस ही भेज सकता है कि आप मेरा जो अकाउंट है इसको आप अपने अकाउंट को बैलेंस नहीं मेंटेनेंस किए हो, इसका भी आप पास नोटिस आ सकता है। बाकी ICICI बैंक में क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट अगर माइनस में है तो बैंक आपको जो है बार बार तो परेशान नहीं करता है, आपका लंबा अगर अकाउंट अगर माइनस हो जाता है उस बेस पे बैंक जो है आपको नोटिफिकेशन और कॉल भी आते हैं और आपको बैंक बोलता है कि अपने अकाउंट को आप मेंटेनेंस कर लो नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो HDFC बैंक आपको वार्निंग देता है, बट ज़्यादा दिक्कत थोड़ा सी आती है अगर आप सेविंग में थोड़ा सी लेना चाहते हो। अब यहाँ पे सवाल आ गया एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक बेस्ट बैंक है, EMI मिस करते हो, टाइमली बिल पेमेंट नहीं करते तो आपकी वाट लगा देगा। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक सर्विस के मामले में आपको जो भी ट्रांजेक्शन सिस्टम है सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो बैंकिंग सिस्टम है वो अच्छा है, मैं खुद यूज करता हूँ, कोई शिकायत इसमें आपको नहीं मिलेगा। एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक में अकाउंट में आपको सलाह दूंगा कि ज़्यादातर के मत ओपन करवाना, क्योंकि इसमें आपको चार्जेस जो रहते हैं इनके चार्जेस किसी ना किसी पॉइंट पे ऐड ही रहते हैं। तो एक्सिस बैंक अच्छा है, बट मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि आप इसमें ओपन ही करवा लो, क्योंकि उसकी सर्विस और रूल पॉलिसी अलग है। बाकी अब मैं बात करता हूँ SBI बैंक का। तो SBI बैंक आपको पता है कि सिक्योरिटी बैंक है, बड़ा बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, अच्छा बैंक है और इसमें आपको ऑफर आने का चांस कम रहता है और आपको जो बैलेंस है वो सिक्योरिटी अकाउंट सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ये बैंक अच्छा है। बट यहाँ पे थोड़ा से ICICI में मैं आपको इसलिए सलाह कि ये बैंक थोड़ा से आपको और हाई क्वालिटी के तरह आपको सर्विस दे सकता है। बात आ चुकी मेरे सामने इंडस्ट्रियल बैंक का, जैसे और बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक हैं और इसके बाद आपका आ जाता है RBL बैंक। तो देखो, पंजाब नेशनल बैंक ये भी सही है, ऐसा नहीं है दोस्तों, बट ऑफर नहीं मिलता है। बाकी होम लोन और लोन का ऑफर तो आता रहता है, हर क्षेत्र में आपको ये बैंक नहीं मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी अच्छा बैंक है। तो यहाँ पे सवाल ये आ गया कि अगर आप चाहते हो ओनली सेविंग मनी या ट्रांजेक्शन करने के लिए तो आपके लिए ICICI बैंक अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बैंक अच्छा है, HDFC बैंक थोड़ा से नीचे आता है, क्योंकि इस बैंक की अगर आप इसको मेंटेनेंस कर सकते हो, अच्छे से रन कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट है, कभी गलती करते हो तो आपको प्रॉब्लम में आ सकता है। बाकी दोस्तों, आपका जो है इंडस्ट्रियल बैंक भी आता है,
ये भी बेस्ट है। और आपके लिए एक बैंक सबसे और बेस्ट कैटेगरी में आता है, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये बैंक अच्छा है, ऑफर तो आपको उतना नहीं मिलेगा बट आपको सर्विस मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर सर्विस बेस्ट मिलेगा। तो ये हो गया आपके अकाउंट के बारे में। तो आप मुझे बताइए कि आप किस बैंक में आपका अकाउंट है और किस में आप जाना पसंद करोगे। अब बात आ गई प्री अप्रूव ऑफर के लिए। दोस्तों अगर आप चाहते हो मैं प्री अप्रूव ऑफर लूँ, मुझे सब कुछ बेनिफिट मिले, मेरा अमाउंट सेव रहे और मुझे ऑफर मिले, तो एक ही बैंक है इंडिया का, HDFC बैंक। देखिए इस बैंक में आपको हर चीज़ मिलेगा, आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन जल्दी मिलता है। बाकी बैंकों में थोड़ा पीछे मिलता है बट यहाँ पे ICICI बैंक भी दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अगर सारी चीज़ का लाभ लेना है तो HDFC बैंक बेस्ट है। अगर आप ओनली सेविंग मनी या अपने पेमेंट अपने पैसे को सिक्योरिटी एंड सेफ करना चाहते हो तो कोटक महिंद्रा बैंक, इसके बाद ICICI बैंक, और इसके बाद आपका आता है यूनियन बैंक भी आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक भी आता है। तो इन सब में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करके आप जब भी अकाउंट ओपन करना टर्म एंड कंडीशन फॉर्म को पहले पढ़ लेना क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉलिसी आप लोग मिसमैच कर जाते हो। तो ये हो गया आपका अकाउंट ओपन करवाने का और ऑफर लेने का चांस। दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूँ, प्री अप्रूव के चक्कर में कभी भी आप हाई ट्रांजेक्शन मत करना क्योंकि हाई ट्रांजेक्शन आपका काउंटिंग होता है वो आपके सिविल में भी शो करेगा और आपका इनकम टैक्स ब्यूरो में भी आपका हाई ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जा सकता है। तो हमेशा अपने इनकम के बेस पे ही हर काम करना। कभी आपको कोई लालच देता है कि भाई आप इतना ट्रांजेक्शन करो आपको लोन ऑफर आएगा, क्रेडिट कार्ड ऑफर आएगा, ये गलती मत करना क्योंकि आप अपने इनकम के आगे निकल जाओगे तो कल को आपको प्रॉब्लम होगा। हमेशा अपनी सोच को अपने तक ही सीमित बना के रखो। तो शायद मैं आपको इस वीडियो में बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ कि अगर आपको ऑफर के लिए अकाउंट ओपन कराना है तो मैं आपको वही बता चुका हूँ। और एक चीज़ मैं आपको अलग से बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि प्री अप्रूव ऑफर मुझे मिल जाए आसानी से तो यहाँ से अगर आप गांव देहात से हो तो जल्दी आपको तो नहीं मिलेगा, मिलता है बहुत कम चांस मिलता है। मेरा एक ट्रिक और है, मैं हर वीडियो आपको शेयर करता हूँ, हाई लिमिट का FD करवाओ। कहने का मतलब है कि आप कम से ना कम 70,000 रुपये के ऊपर का FD करवा लो और उसको 3 से 4 मंथ यूज करो और आसानी से कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर लो, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों तो ये बहुत बेस्ट तरीका है आपको ऑफर लेने का। शायद आप समझ चुके होंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करना, शेयर करना और आपको क्या जानना है और बैंकों के बारे में मुझे कमेंट करना, मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। बस इतना ही कहना था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।